पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो वहां मन हट गया, आत्मा उबर के आएगी सिकंदरपति की और कहता है परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूं, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है, संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया उठ रो ना बुरी तरह और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूं, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की आपके इंतजार के लिए, उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच हैं, मुसलमान में कोई शास्त्र में आना अलाउड नहीं है, तो मेरे अंदर युराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी तलवार से, मुझे माफ कर दो, फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो कोई बात नहीं, ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी, उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो और लेकिन एक काम करो मेरे साथ वापस चलो। परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे, कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया, मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, अरदाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया, अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो क्षमा करो। परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जावे, आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूंगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों, तो जितने भी 10-5 वहां शिष्य रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी, अरे भले आदमी तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं ये कभी नहीं मरते, और कौन किसको मारता है, संस्कार अपने प्राण भोगना होता है सबको, उनको ऐसा कह रहे थे। इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए, वो फिर सुन हो गए, तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया, वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो दो भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था वहां खून रक्त का सरवा हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर उस स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लग गई, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लग गया,
फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है। तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था, फिर और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से दो धारा चली थी, एक रुधिर की एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लडर निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है, या तो रक्त होना चाहिए था सारा, ये दूध क्यों आया। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो, और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए, हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, दो कहे जो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक कर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक छेड़े। तो रामानंद खड़े हो गए, आंखें पानी भर गया, और सिकंदर लोदी को सीने से लगा दिया। बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, मेरी आंख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई करुणा नहीं रखी।